सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हुआ ये कि यार मैं एक दिन जस्ट यूट्यूब चला रहा था, तभी मेरे सामने एक वीडियो आई जिसका नाम था स्कूबी। ये एक शॉर्ट फिल्म थी और इसे देखने के बाद यार मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। और ये शॉर्ट फिल्म एक यार बेसिक प्रॉब्लम को लेकर बनाई गई है, और इस चीज को आपने कभी ना कभी अपने आसपास जरूर देखा होगा। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो क्या कर रहे हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दो, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी यार प्रेस कर देना। और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो आप। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम तो यार कहीं पे बताया नहीं गया है, बट हम इनका रियल नाम जो है वो है साई चंद्रमोहन, तो हम इन्हें साई कह के पुकारेंगे। तो हम देखते हैं साई अपने डॉग को खाना खिला रहे होते हैं, और उनके डॉग का नाम होता है स्कूबी। वीडियो के आगे के कुछ सीन्स में हम देख पाते हैं कि स्कूबी और साई काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, और उनकी फ्रेंडशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो अपने डॉग स्कूबी की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। सारी चीजें काफी अच्छी चल रही होती है, और धीरे धीरे स्कूबी भी बड़ा हो जाता है। स्कूबी और साई के बीच की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन साई सोकर उठते हैं, और जब वो घर के बाहर आते हैं तभी यार उन्हें कुछ ब्लड दिखाई देता है। ब्लड उनके घर के बाहर जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देखकर यार साई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर वो इसे इग्नोर करके साफ कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं कॉल पे, तभी उन्हें वापस से ब्लड जमीन पर फैला हुआ दिखाई देता है। साई इसे भी साफ कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो अपने डॉग को अपने पास बुलाते हैं प्यार करने के लिए, तभी जब डॉग उनके पास आता है तब उन्हें यार वहाँ पे ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो अपने डॉग को चैन से बांधते हैं और उसे कार पे लेके कहीं और निकल जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि साई अपने डॉग को जंगल में ले आए होते हैं, और वो अपने डॉग को इसी जंगल पर छोड़ देते हैं। इस सीन को देखकर यार काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर साई अपने डॉग को जंगल पर छोड़कर वापस से घर चले जाते हैं, और स्कूबी बेचारा वहीं जंगल में बैठा हुआ अपने मालिक का इंतजार करता रहता है। खैर रात होती है और साई सो रहे होते हैं, तभी साई को एक सपना आता है कि वो उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वो धूप में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। यहाँ तक कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पाँव में काफी ज्यादा चोट आ जाती है, जिससे उनका जो ब्लड है वो रोड पे ही फैल जाता है। इस सपने से साई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। खैर सुबह होती है और हम देख पाते हैं कि साई सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी उठाकर वापस से जंगल की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे वो स्कूबी को काफी ज्यादा ढूंढते हैं, बट उन्हें स्कूबी नहीं मिलता। वो परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद जब वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं और रोने लगते हैं, तभी वहाँ पे यार स्कूबी आ जाता है, और फाइनली दोनों मिल जाते हैं। इससे साई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो अपने स्कूबी को लेकर वापस से घर आ जाते हैं, और फाइनली दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, और यहाँ पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। खैर अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो होता यह है कि हम यार डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब डॉग छोटा होता है तब तो यार कोई दिक्कत नहीं होती, हम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, काफी ज्यादा खेलते हैं। लेकिन जब डॉग बड़ा होने लगता है तब यार उसकी जो नीड्स होती है वो भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और हमारा भी इंटरेस्ट डॉग के लिए काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण यार हम डॉग की प्रॉपर केयर नहीं करते। होता यह है कि हम यार फीमेल डॉग अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब हमारी डॉग बड़ी होती है तो उसे पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, और यार एक नेचुरल प्रॉब्लम है। इसमें होता यह है कि 3-4 दिन तक डॉग हल्की ब्लीडिंग करता है। काफी सारे लोगों को यार ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जिसके चलते वो अपने फीमेल डॉग को यार घर के बाहर निकाल देते हैं या फिर कहीं और छोड़ देते हैं, जिससे उस डॉग की लाइफ काफी ज्यादा खतरे में जाती है। तो मेरे भाई आप लोग से मैं कहना चाहूँ कि अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी तो यार प्लीज आप लोग मेल डॉग को अडॉप्ट करो। बट अगर आप ये चीज कैरी कर सकते हो, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 3-4 दिनों के लिए, जो कि यार 3-4 महीने में एक बार ही होता है, तो यार अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो यार आप फीमेल डॉग को अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी डॉग को अडॉप्ट करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी केयर करो और उसे छोड़कर कभी मत जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से आकर ये शॉर्ट फिल्म देख सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ में अगर चैनल पे आप नए आ गए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।